इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से पेट्रोल डीजल के रेट कम होने की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। दुनिया भर में चिंता बढ़ने से बाजार में दहशत है। ईरान की तरफ से इसराइल पर 200 के करीब मिसाइल के हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 4% बढ़ गई हैं। अब इसराइल की तरफ से ईरान पर जवाबी हमला करने की बात कही गई है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्ते और बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत $2.54 यानी 3.7% बढ़कर $70.7 प्रति बैरल हो गई है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के असर से देश में पेट्रोल डीजल के रेट्स कम होने की उम्मीद को झटका लगा है। कुछ दिनों पहले ही ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा, दुनिया भर में क्रूड ऑयल्स की कीमत कम रहने से ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल के रेट्स को कम करने पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने कहा था कि सरकार तेल का उत्पादन बढ़ाने और सस्ते में तेल बेचने वाले देशों जैसे रूस से कच्चा तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है। उनके बयान के बाद पेट्रोल डीजल के रेट्स नीचे आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब हालिय घटनाक्रम से मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और हमारे देश पर भी इसका असर पड़ रहा है। इजरायली सेना की तरफ से बताया गया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। इजरायली सेना की तरफ से ये कहा गया कि हम ईरान के हमले का जवाब देंगे। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने मंगलवार रात को इजरायल पर जो 200 मिसाइलें दागी, उसके बाद ऑयल मार्केट में ये सब देखने को मिला है। ईरान का दबदबा भी ऑयल मार्केट पे अच्छा खासा है। इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल्स की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें, ईरान की तरफ से दुनिया भर को एक तिहाई तेल की सप्लाई दी जाती है। इसके बाद तेल की कीमत में और तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। बुधवार सुबह WTI क्रूड चढ़कर $71 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। इसके अलावा S&P 500 तीन हफ्ते में अपने सबसे खराब इंट्राडे गिरावट के साथ 1.4% गिर गया। IT सेक्टर में ज्यादा गिरावट भी देखी गई। दोनों देशों के बीच तनाव का असर बाजार में दिखना शुरू हो गया है। जानकारों का कहना है, मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बॉन्ड और सेना भी बढ़ रहा है। इसके अलावा शेयर बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।